तो किट्टू रानी यहाँ पे कर रही हैं कपड़े प्रेस। कहीं जा रही हो क्या मैडम? कहीं जा रही हो क्या? नहीं, इसलिए आया मैंने इस सूट पहनने के लिए। अच्छा, इस वाले सूट पहनने के लिए। आप लोग जाते शॉपिंग नहीं करते, इसलिए आ जाते? नहीं भैया, हम शॉपिंग करते हैं। और ये फैमिली वेलकम बैक टू अमित एंड किट्टू जायसवाल यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे, लल्लन टॉप होंगे और भयंकर गर्मी में झेल रहे होंगे, स्ट्रगल कर रहे होंगे। इस टाइम गर्मी का आलम यूं है कि भाई साहब घर से निकलने का मन नहीं करता, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ता ही। जिसको काम है, ऑफिस जाना है, कुछ बाहर का जो काम है। तो किट्टू रानी यहाँ पे कर रही हैं कपड़े प्रेस। कहीं जा रही हो क्या मैडम? कहीं जा रही हो क्या? नहीं, कपड़ा पहनेंगे ये वाला लिया था हमने, आप लोगों को पता है, लखनऊ से लिया था। मैंने अपने ब्लॉग में बोला था कि जिस दिन मैं फिटिंग करा लूंगी सारा कपड़ा, उस दिन दिखाऊंगी। लेकिन नहीं, तुम दिखा देना, चलो मैं नहीं दिखाऊंगा। मैं सारा समझ गया किट्टू का कहने का मतलब है कि यार बाबू तुम अपने ब्लॉग में सब कुछ दिखा दोगे तो मैं क्या दिखाऊंगी। ठीक है किट्टू, और मैंने जो टी शर्ट और एक शर्ट लिया था वो भी आप लोग को दिखाएंगे, जींस लिया था, पैंट एक लिया था। वो पैंट तो मैं पहन के गया था अभी रिसेंटली, शायद धुल के रखा भी होगा अभी। मैं पहन के कल ही गया था ना ऑफिस, कि परसों गया था, कल गया था। तो यहाँ पे किट्टू कर रही कपड़े प्रेस। सो गाइज, आप लोग के यहाँ क्या टेम्परेचर चल रहा है गर्मी का? हम लोग सोच रहे हैं कि गर्मी इतनी पड़ रही, हम लोग कहीं पहाड़ों पर हुआ है जहाँ पे बर्फ तो नहीं मिलेगा इस टाइम, लेकिन जहाँ पे मौसम अच्छा हो। बाबू तब भी मेरा 100 रुपया लग जाता है। मैं एल मंगाऊंगी क्योंकि बहुत ज्यादा फिटिंग करना होता है, तो एल आ जाएगा हमको ना। ये वाला फिटिंग कराई हो? जब क्या नहीं कराया है, बहुत डिले। अच्छा, हाँ, ये वाला तो वहाँ पे हो नहीं पाया क्योंकि उस दिन बहुत ज्यादा लेट हो रहा था और हम लोग का ट्रेन भी था। तो उन्होंने बोला भैया हम आपको दिल्ली भिजवा देंगे। हम बोले नहीं भैया, नहीं आप भिजवाओ मत, हम अपना लेके जाएंगे। गाइस यहाँ पे शायद किसी की बारात आ रही है। मजा आ रही है, पेड़ वेड़ दिख नहीं पड़ रहा है शायद यहाँ पे। और किट्टू रानी यहाँ पे कपड़े सब प्रेस कर रही हैं। मैंने ये टॉप लिया है गाइस, आज मार्केट से लेकर के आई। आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा था किट्टू ने शॉपिंग किया था, 200-200 रुपए अच्छे अच्छे टॉप मिल जाते हैं ना रेगुलर पहनने के लिए। नया ट्रेंड में आया था ना सब, मतलब नया माल आया था, इसकी वजह से सब लिए हैं। इधर थोड़ा कपड़ा मांग के तब मार के तब करो ना बेटा, कपड़ा मांग के तब किया करो, तब थोड़ा और अच्छे से प्रेस होगा टाइम, मतलब थोड़ा सा पानी का छींटा मार। कैसे, मुझे नहीं आता मार। जब भी करते पानी के छींटा मार कर देना, अच्छा रहता है। आप मार के दिखाओ ना। हम नहीं, तुम करो। ये लेके आई मौसी आज, प्रेस की प्रेस करके भी अटैचिंग रखेंगे सब। मोबाइल जाओ तो मोबाइल ब्लास्ट कर दोगी तुम, प्रेस चढ़ा दिया तो हो गया। कहाँ जा रही हो? देख रही हो कपड़ा? कहाँ जा रही है? फिटिंग करने वाला भी है। कहीं जा रही हो किट्टू? हाँ। वो दिन आ गया है जो अब मुझे घर छोड़ के जाना ही पड़ेगा सबको, यहाँ तक कि इनको भी। ये मत सोचो, झूठ कह रही हो। हम लोग चले जाएंगे, सोनाक्षी कैसे रहेगी, ऋषभ कैसे रहेगा? जा सकते हैं कहीं, है। तो गाइज आप लोगों ने देखा था किट्टू ने कुछ इयर रिंग्स वगैरह भी लिया था पिछले वाले ब्लॉग में, लेकिन प्रॉपर दिखा नहीं पाए थे कौन कौन सा लिया था। तो किट्टू कौन सा लिया था आपने? एक ये लिया है मैंने इस सूट पहनने के लिए। चाहिए इस वाले सूट पहनने के लिए? हाँ, यार येलो अच्छा लगेगा। और इस पे ये वाला सेट किया, इस पे ये अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। इस पे इयर रिंग्स है लेकिन ये इयर रिंग्स नहीं पहनेंगे, ये पहनेंगे। अच्छा, तो मैं तो बोलती थी मैं हैवी नहीं पहनूंगी। नहीं, अब यही ट्रेंड चल रहा है, सूट वगैरह पैसे पहन अच्छा था, लेकिन ये साड़ी पे भी अच्छा लगता है। सिल्की साड़ी पहनती है ना लड़कियाँ इसको ज्यादातर। हाँ, एक और लिया जी। कितना ले ली तुम किट्टू? 50-50 का मिल रहा था, निकल जा रहा है ये। मैं नहीं लेती लेकिन मैं देख रही हूँ सब यही पहन रहे भैया, तो हम काहे पिछड़े हैं। नहीं पता चलेगा जब पहनेंगे तो अच्छा लगेगा। और ये गली बच्चे थे और ये मैं कुछ पेंट किया था, मुझे काम रहता है गाइस,
आराम से माइल है वहाँ पे। इसमें आपका जो कपड़ा है लेकर आए थे, अगर आपको दिखाना है मेरी फैमिली। हाँ यार कपड़ा दिखा दो। भैया ये डमी में लगा हुआ कपड़ा किट्टन उतरवा लिया था मेरे लिए ना कि तो अच्छा लग रहा था। अब आप उठो, देखो ये वाला टी शर्ट, ये वाला टी शर्ट हम लेके आके आए हैं। अच्छा बहुत सारे लोग पता क्या बोलते हैं आप लोग जाते शॉपिंग नहीं करते इसीलिए आ जाते हो। नहीं भैया हम शॉपिंग करते हैं, और ये वाला टी शर्ट हमने खरीदा है, अच्छा लग रहा था। और ये वाली शर्ट की टोन ली है, ये पहन लेंगे टी शर्ट के बर्थडे पर, हम ये बनने जा रहे थे। चलो ठीक है, ये आप पहन लीजिएगा। और जींस आया है, ये पैंट लिए थे, ये नहीं है वो पैंट उधर रख दिए, उधर है फिटिंग कराए ना उस पैंट को जो कल पहन के गए थे, धूले हैं ना अभी बाहर है। एक पैंट लिया भैया, ये टी शर्ट कैसा लग रहा है? अभी ये कलर आप नहीं पहने हो ना, ये पहन के दिखाया था ना ट्रायल करके। अभी ये कलर पहने नहीं, ये और ये सर डमी में लगा था, मैंने इसे मैं बोली आप यही पहनो अच्छा लगेगा ये पहनने के तो। लेकिन आपको थोड़ा सा बाबू ना और कंट्रोल करोगे, थोड़ा पेट अंदर रहेगा ना तो काफ़ी आप दिन जैसे लगोगे हाँ स्मार्ट। चलो अब आप कहने पर हम करेंगे। और एक शर्ट के लिए थे इन्होंने, ये भी शर्ट लिया था, क्या ये भूल जाते हैं कब दिखाना है? इतना दिखाओगी यार, जितना लिए उतना दिखाएंगे ना। ये दो शर्ट लिया था इन्होंने, और ये टी शर्ट, ये तो टी शर्ट मेरा पहले का, तो पहले का है सर। ये वाला पैंट चल जाएगा इस वाले, इसके साथ पहन सकते हैं क्या ये सब पैंट? किस पे? इस पे। ये तो आपका उस पैर का है बड़ा, हाँ कोट उसका है। अच्छा मेरा इसमें आ गया सब, और आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं चाहते कि आप। अच्छा कल पहन के जाएंगे ड्रेस यार बाबू, उसके साथ जाएंगे ना देखने के लिए, थोड़ा अच्छा बता दो। नहीं तो टी शर्ट बाहर निकला है, येलो वाला पहन के चले जाइएगा। कौन सा येलो वाला? जो नया वाला लेकर आए थे उसमें स्क्रैच है, और जींस भी बाहर है। ठीक है, जींस निकालना है तो ये निकाल दे। डांट रही हो कि बता रही हो? ये वाला जींस निकाल दें। ये मेरा कोट पैंट वाला है ना पैंट, बताओ कौन सा जींस निकाले या फिर ये टी शर्ट? ये नहीं है, रहने दो वो वाला पहन लेंगे, ब्लू वाला जाने दो। लेकिन मैंने आज कल वो नॉर्मल वाला पैंट पहन लेना, अच्छा लग रहा है इसका पैंट। इसको बनवाना था, इसमें क्या बनवाना है? अब ये थोड़ा ढीला था मुझे बहुत ज्यादा। चलो कल करवा देंगे, अब हम निकालेंगे नहीं, चलो ऐसे ही पहन लेंगे। फिटिंग पाएगा ना तो अच्छा लगेगा ना, लेकिन धुलने को क्या चढ़ जाए, ये भी हो सकता है कॉटन है। अभी देखो ये वीडियो बना चुके हैं, इसका बना चुके हैं, इसका बनाना है, इसका बनाना है, ये बनाना है। ब्लैक वाला भी देखना ना, ये येलो वाला सुटवा कहाँ है? पन्नी में होगा छोटे से, मैंने निकाला था इसमें होगा ना? नहीं वो सारी है। अब यही समय हम पहले ब्लैक कलर ब्लाउज निकाल लेते हैं। येलो वाला सूट कहाँ है? अब मैं क्या बताऊँ, तुम्हें तो निकाल के सब रखी थी। ये जरा ये भी बहुत अच्छा ड्रेस लगता है, गर्मियों में बहुत लड़कियां पहनती है। दुपट्टा भी है वाइट कलर, देख लो ऐसा मोड़ मार के रखे हैं, लेकिन इसको मोड़ कैसे नहीं रखते हैं है ना। अभी बहुत कलेक्शन है गाइस, क्या बताएं, चलो काला कलर। गुड मॉर्निंग फैमिली, तो आज हैप्पी संडे आप सब लोगों को, फटाफट मुझे जाना है कहीं काम से। गुड मॉर्निंग किट्टो जी, क्या बना रहे हो? सुबह सुबह पनीर की सब्जी बना रही है, लेकिन मैं रहूँगा नहीं, मैं आऊँगा तो शाम को खाऊँगा, मुझे बहुत लेट हो रहा है, एक्चुअली मुझे कहीं काम जाना है, अर्जेंट काम से मुझे जाना पड़ रहा है।
किट्टू जी जाए हम ठीक है। हो हो नया नया बेडशीट हमारा वाला। बाय सोना, जा रहे हैं, आएंगे फिर शाम को। नेक्स्ट मॉर्निंग। तो गाइज गुड मॉर्निंग, और कल जैसा कि मैं बताया कि बहुत काम था तो मैं सुबह से गया, रात के 10 बजे आया। वो सारी चीज क्या काम है जल्दी आप लोगों के सामने अपडेट भी आएगा उस सब चीजों को लेके। बस भगवान से यही दुआ करिए कि जो हम लोग चाह रहे हैं जल्द से जल्द चीज पूरा हो जाए। क्या खा रहे हो? बर्फी। बर्फी तुम्हारा फेवरेट है क्या लीलू? तुम्हारा फेवरेट है क्या? हाँ। सोना रानी सो के उठ गई है, खूब खोज के सोई, आज सो के उठी है 11 बजे। लीलू गुड मॉर्निंग नहीं किया है? गुड मॉर्निंग। इधर देखो, बर्थडे कब है? 21। 21 को खुद बर्थडे विशेस आएंगे तुमको। तो गाइस लिलिया का, लिलिया तू मेरे मुंह में लगा दिया बर्फी, देख यहाँ लगा था निकाल दिया मैंने, पूछ दिया। तो गाइस चाय वाय पीते हैं फिर मिलते हैं कुछ देर के बाद। गर्मा गर्म चाय आ गई है, चाय वाय किट्टू रानी ने पिला दिया है, एकदम मस्त ब्रेकफास्ट वगैरह, जिसमें ब्राउन ब्रेड मुझे खिलाती है, बोलते सुबह सुबह हल्का खाया करो आप। वैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं हैवी खाने के लिए बाबू सुबह सुबह। क्यों? तो मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए, अब कल का दिन मेरा ऐसा गया है ना, सुबह जो मैं निकला हूँ किट्टू बोली कब आओगे, कितनी बार फ़ोन कर दी है, और फिर मैं लेट आया। कल ही देखो इसके मेकअप वाले ब्लॉग में मैं नहीं था, क्योंकि मैं था ही नहीं, और भाभी ने शूट किया, सब लोगों ने मिलके बनाया वीडियो, काफ़ी अच्छा उन्होंने मेकअप किया था, बहुत अच्छी। और अभी किट्टो ऋषभ के बर्थडे पे कौन सा ड्रेस बनेगी वो दिखा, अभी कार्तिक के लिए भी, और हमें कार्तिक के लिए भी ड्रेस लेना है, वो भी हम लोग जाएंगे, और ऋषभ का एक चीज़ और रह गया वो भी देखेंगे। सो गाइस इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो पसंद आता वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा, मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ। लव यू ऑल, बाय बाय।